तो हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं यहाँ पे मतलब अपनी महिंद्रा थार की सर्विस करवाने। तो यही सेम वीडियो में दो तीन दिन पहले भी बना चुका हूँ, उसकी क्लिप में अभी आपको बीच में लगा दूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम करवाने वाले हैं अपनी थार की यहाँ पे फर्स्ट सर्विस, मतलब जो 1000 किलोमीटर वाली सर्विस होती है ना वो। देखो जुकाम लग गया, थोड़ी आवाज ऐसे ही आएगी, तो देख लेना आप। ये चल गई है 1100 किलोमीटर लग। तो सर्विस करवाने जा रही है। पहले तो उन्होंने 3 दिन की वेटिंग दी थी, फिर हमने रिक्वेस्ट की तो बोले कि चलो करवा देंगे, क्योंकि मेरे को क्या है ना ट्रिप पे जाना है, एक कहीं पे जाना है दूर, तो उस चक्कर में क्या है ना जनरल चेकअप वगैरह करवा लेंगे और वॉशिंग, वो बोल रहे हैं कि वॉशिंग ड्यू रखवा देंगे, तो वॉशिंग बाद में होगी, तो देखते हैं वॉशिंग भी साथ कर दे तो बढ़िया है, नहीं तो सर्विस तो इसकी छिटवा देते हैं, उसके बाद में आके वॉशिंग करवा लेंगे। ये पता नहीं महिंद्रा क्या चल रहा है, 3-3 दिन की वेटिंग दे रहे हैं सर्विस में भी। ये देख सकते हैं कितनी चल गई है, 1198 किलोमीटर। देखो 26 का एवरेज दे रही है। ये देखते हैं पूरी बाहर से तो पूरी गंदी हो चुकी है, देख सकते हैं ब्लैक ले रही ना ब्लैक की वजह से। तो देखते हैं क्या क्या होता है और क्या क्या करते हैं महिंद्रा वाले, अपन को वीडियो बनाने देंगे या नहीं देंगे, कन्फ्यूजन ही है, क्योंकि अभी 1600 चल गई है। मैं 1200 पर ही इसको ले जा रहा था सर्विस के लिए, लेकिन महिंद्रा का वही कि पहले बुक करवाओ फिर वो लपड़ा, तो आज 4-5 दिन और हो गए, तो आज के दिन जा रहा हूँ बुक करवाई हुई है सर्विस। तो वैसे तो कल की बुक थी, लेकिन कल मैं जा नहीं पाया तो आज जा रहा हूँ, और 9:30 बजे बुलाया था, 9:30-9:40 तो यहीं पे होगी। ऐसे क्या एग्जाम करेंगे क्या, पता नहीं ऐसे 9:30 बजे आ जाना, लेट आएंगे तो नहीं होगी, पहले गाड़ियाँ घुसा लेते हैं, अरे पिकअप की सारी एक साथ ही करते रहते हैं ऐसी। मेरे को तो ये महिंद्रा की सर्विसिंग और स्टाफ बिहेवियर इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि बहुत कचरा भर रखा है महिंद्रा ने। चलो अब चलते हैं सर्विस करवाते हैं। ये देखो ये रहा महिंद्रा का शोरूम, घुसाते हैं चलो। ये देखो सारी गाड़ी, गाड़ी का चेकअप वगैरह हो गया है और गाड़ी की हो रही है अभी क्लीनिंग, बस अब थोड़ी देर में मिल जाएगी वॉशिंग होके। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, जनरल चेकअप ही तो था और वॉशिंग, और क्या ही करेंगे, बोल तो ऐसे रहे थे कि 5 बजेंगे, काफ़ी गंदी हो रखी है। धुलाई कंप्लीट हो गई, तो फाइनली दोस्तों सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। ये देखते हैं इसके सभी कागज़ वगैरह आ चुके हैं, और अभी घुमा के चलते हैं बाहर की तरफ। ये देखते हैं ज़्यादा वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउड नहीं था, इसलिए नहीं बनाया। गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, ठीक ठाक है, वैसे ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह तो नहीं कर सकते। देखते हैं यहाँ पे स्पॉट वगैरह, और जो क्लीनिंग करा था वो चिपक भी गया, मतलब कि कुछ खर्चा पानी तो उसको 20 रुपये देने पड़े। और देखो मतलब सर्विसिंग, ये देखते हैं सर्विसिंग, बाहर चल के दिखाता हूँ आपको। और देखो दोस्तों यहाँ पे रिवर्स गियर डाल रहा हूँ, कैमरा चल ही नहीं रहा है, ये देखो, और गेट पास भी दे दिया है। अभी घुमा के दिखाता हूँ उनको। ये देख सकते हैं दोस्तों 0 रुपये का बिल आ गया है अपना सर्विसिंग का। और सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें तो वो तो मत पूछो आप, मतलब कि एक तो ढंग से साफ भी नहीं की गाड़ी को, देखते हैं मतलब बिल्कुल ऐसे नाम मात्र की साफ की है, ये देखते हैं। और ऊपर से मतलब साफ करने के लिए वो इनाम और मांगता है, जो कि मैं 20 रुपये दे के आया चिपक ही गया तब। तो ये है महिंद्रा का हाल, ना ढंग से काम, ऊपर से इनाम। चलो यही था आज का वीडियो, सर्विस तो क्या ही थी, इसमें तो क्लीनिंग वगैरह हुई है। ये देखते हैं सब सही है वैसे तो, बाहर से दिखाऊं तो ये देखते हैं मतलब यहाँ पे पॉलिश नहीं, मतलब पॉलिश से ही चमकाई है प्लास्टिक को, तो पूरी को इस पर तो कपड़ा भी नहीं मारा था, कपड़ा मारने के लिए बोला तो बोला कि पॉलिश होगी इसके ऊपर, तो ये देखते हैं मतलब गंदगी।
दिखाऊं आपको, तो ये देख सकते यहाँ पे तो साफ भी नहीं करी, और ये देखते दस्त, ये देखते यहाँ से सर्विसिंग तो बहुत खराब है।